बारिश बढ़ रही है, लेकिन आपका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं। हमने अजमेर में प्रवेश किया, यहां आने पर पौने दो घंटे लग गए। बारिश की परवाह किए बिना व्यापारी थे, नागरिक थे, सभी लोग स्वागत कर रहे थे, तो मैं ये समझ गया अजमेर वासियों ने तय कर लिया है मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार बनेगी। परिवर्तन की बेला मुझे पूरे राजस्थान में दिखाई पड़ रही है। ये परिवर्तन समाज का है, ये परिवर्तन केवल मुख्यमंत्री का नहीं है, ये परिवर्तन लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा और ये परिवर्तन यात्रा सफल होगी और हमारे राजस्थान में एक परिवर्तन होगा। मैं आपका समय नहीं लूंगा, बारिश बढ़ रही है, लेकिन आपका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं। हमने अजमेर में प्रवेश किया, यहां आने पर पौने दो घंटे लग गए। रास्ते पर इतने लोग, हजारों लोगों ने स्वागत किया, बारिश की परवाह किए बिना व्यापारी थे, नागरिक थे, सभी लोग स्वागत कर रहे थे, तो मैं ये समझ गया अजमेर वासियों ने तय कर लिया है कि अब यहाँ पर राजस्थान में मोदी जी की सरकार बनेगी, मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार बनेगी। परिवर्तन की बेला मुझे पूरे राजस्थान में दिखाई पड़ रही है और मेरा विश्वास है परिवर्तन होके रहेगा। मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार राजस्थान में तैयार होगी। इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए मोदी जी तो राजस्थान को आगे ले जाना चाहते हैं, मोदी जी का इंजन सीधा पड़ रहा है, लेकिन गहलोत जी का इंजन राजस्थान को पीछे खींच रहा है। मोदी जी का आगे और गहलोत जी का पीछे जाएगा, राजस्थान धरा का धरा रह जाएगा, लेकिन मोदी जी के इंजन के साथ अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री का बीजेपी का इंजन लगेगा तो राजस्थान की रेल इतनी तेजी से दौड़ेगी कि राजस्थान को कोई रोक नहीं पकेगा। तो नंबर वन राजस्थान बनाने के लिए आप मोदी जी का साथ दीजिए, इतना ही निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।